लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। माधवनगर अस्पताल सहित सभी अस्पतालों में संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं ताकि मरीजों को ऑक्सीजन सहित अन्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की ओर से उज्जैन जिले को 100 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मशीनें दी गई हैं। शुक्रवार को सांसद एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माधवनगर अस्पताल में 40 कंसेंट्रेशन मशीनें प्रदान की। इससे अस्पताल की क्षमता में वृद्धि होगी और जिस अस्पताल में अभी 180 मरीज भर्ती हैं, उपचाररत हैं और उन्हें ऑक्सीजन मिल रही थी, उनकी संख्या लगभग 220 हो जाएगी। इसी तरह से जो बाकी बची मशीनें हैं उनको जो तहसील स्तर के अस्पताल हैं उन्हें दिया जा रहा है ताकि जो तहसील स्तर के अस्पताल हैं वहीं पर मरीजों को कोरोना संक्रमित होने पर वहीं पर उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके और उन्हें जिला स्तर पर आने की जरूरत न पड़े। आज मैं सर्वप्रथम तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने यह उज्जैन में अभी 100 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भेजे हैं, जो उसमें हमने 40 माधवनगर अस्पताल जो कि उज्जैन जिले के हार्ट है अभी कोविड सेंटरों में उसमें दिए हैं। अब यहाँ पे पहले 100 बिस्तर की व्यवस्था थी, अब 220 बेड मतलब 220 कोविड संक्रमित लोगों का इलाज यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। और ये मशीन 10-10 लीटर वाली है जो सतत 24 घंटे चलती रहेगी, ये बंद नहीं होती है, इसलिए इसमें बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। ये इससे ऑक्सीजन प्लांट की भी ज़रूरत नहीं, सीधे राहत दे देगी, मतलब एक मनुष्य को जीवन देने का काम करने वाली मशीन आज यहाँ आ गई है। और अभी हम 60 मशीन और तराना, बड़नगर, नागदा, खाचरोद में जा रहे हैं, वहाँ पर भी हम दे रहे हैं। हमने ये प्लानिंग करी है कि ग्रामीण के जो हमारे लोग हैं उनका वहीं पे इलाज हो जाए, वो शहर की ओर ना आए, उनको वहाँ पे सब फैसिलिटी मिल जाए जिससे कि उनको असुविधा ना हो और उनका अच्छा से इलाज हो जाए। तो ये मशीन हम वहाँ भी देंगे और भी मशीन आने वाली है, उसको भी हम सतत बांट रहे हैं। और ऑक्सीजन की जो बात आ रही थी कि किल्लत है, उसको भी हमने दूर कर दिया है। देखिए, माधवनगर हॉस्पिटल ये हमारे लिए शहर के एक तरफ से पूरे ज़िले की क्या संभाग की जान है। यहाँ पे क्रिटिकल से क्रिटिकल स्थिति में मरीज आते हैं, ऐसे में लगभग आज की स्थिति में हमारे पास 180 बेड यहाँ कार्यरत थे जो ऑक्सीजन युक्त थे। ये 40 मशीन और दिए, इस हिसाब से 220 बेड हमारे ऑक्सीजन युक्त यहाँ चालू हो जाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये कुल लास्ट ईयर खाली 40 बेड से चालू होने वाला हॉस्पिटल आज 220 बेड की क्षमता के साथ चलने लगेगा। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सारे संसाधन लगा करके वो सारी व्यवस्था खड़ी करें जिसके माध्यम से लाभ मिले। आज यहाँ के बाद बड़नगर, नागदा, खाचरोद और तराना, घटिया सभी दुर्ग का आकलन कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी आवश्यकता पड़ रही है हम वहाँ वहाँ मशीनें पहुँचाने वाले हैं।